बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे जॉन कीट्स की लिखी हुई कविता ऑन द ग्रासहोपर एंड क्रिकेट। ग्रासहोपर और क्रिकेट में ज्यादा अंतर होता नहीं है। ग्रासहोपर गर्मियों में और क्रिकेट ठंड के मौसम में साउंड क्रिएट करते हैं। जॉन कीट्स की यह कविता एक सोनेट है। सोनेट यानी 14 लाइन की कविता है। ऊपर वाले पोर्शन को हम ऑक्टेन कहते हैं और नीचे वाले पोर्शन को हम सेस्टेट कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अनलाइक द एंट एंड द क्रिकेट पेज 21 विच टेल्स ए स्टोरी इन ए नेचर फॉर्म इन इट द ग्रासहॉपर एंड क्रिकेट डू नॉट अपीयर एज कैरेक्टर इन ए स्टोरी। आपने पेज नंबर 21 में जो स्टोरी पढ़ी थी क्रिकेट की और एंट की, उस स्टोरी से अलग है। द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट विद द हॉट सन एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज ए वॉइस विल रन फ्रॉम हेज टू हेज अबाउट द न्यू मोन मीट दैट इज द ग्रासहॉपर्स ही टेक्स द लीड इन समर लग्जरी ही हैज नेवर डन with his delights for when tired out with fun he rests at ease beneath some pleasant weed। यानी इस पोएट्री में लिखा गया है कि जो अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, उस पे कभी जो गीत है, पोएट्री है, साउंड है, वो कभी खत्म नहीं होता। गर्मियों के मौसम में जब बर्ड्स या चिड़िया बहुत गर्मी से तड़पते हैं, कुछ बोल नहीं पाते, तब उसी समय ग्रासहॉपर अपनी आवाज निकलता है हेज से, झाड़ियों से, और साउंड्स को लीड करता है। तो कहने का सेंस ये है कि गर्मियों के मौसम में भी प्रकृति में संगीत की मिठास सुनाई देती है और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ग्रास होपर। द पोएट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर ऑन ए लोन विंटर इवनिंग व्हेन द फ्रॉस्ट हैज रॉट ए साइलेंस फ्रॉम द स्टोन देयर स्ट्रिल्स द क्रिकेट सॉन्ग इन वार्म्थ इंक्रीजिंग एवर एंड सीम्स टू वन इन ड्रोसेंसेस हाफ लॉस्ट द ग्रासहॉपर्स अमंग सम ग्रासी हिल्स। इसी तरह जाड़े के मौसम में, विंटर सीजन में भी पृथ्वी पे गीत चलता रहता है। जब बर्ड्स, इंसान बर्फ से ठिठुरते हैं, उस समय क्रिकेट नाम का जीव संगीत निकालता है। यानी पृथ्वी पे कभी भी म्यूजिक बंद नहीं होती। वैसे तो बर्ड्स की, चिड़ियों की चहचहाहट, इंसानों का गीत संगीत चलता है, लेकिन जाड़े के मौसम में भी पृथ्वी पे संगीत होता है और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है क्रिकेट। क्रिकेट और ग्रासहॉपर ये दोनों पृथ्वी को कभी भी म्यूजिक से लेस नहीं होने देते। यानी ये पोयम एक उम्मीद जगाती है, निराशा से आशा का संचार करती है। जॉन किट्स प्रकृति के वर्णन के स्पेशलिस्ट कवि हैं। जॉन किट्स की बहुत सारी कविताएं नेचर लव पे आधारित हैं, इसीलिए जॉन किट्स को नेचर लवर कहा जाता है। जॉन किट्स के और भी कविताओं को आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जॉन किट्स प्रकृति के वर्णन को किस अंदाज में बयां करते हैं। इस पोयम को आप देख रहे हैं, ये पोयम पूरी तरह से आशावादी है, ऑप्टिमिस्टिक है। इसमें निराशावाद का कोई प्रभाव नहीं है। ये पेसिमिस्टिक पोयम नहीं है, बल्कि ये पोयम ऑप्टिमिस्टिक है। और ये 14 लाइन में है, 14 लाइन्स में है, इसका मतलब ये सोनेट है। तो आप इस पोयम को पढ़ेंगे, 4 लाइन्स को लर्न भी करेंगे, वर्ड्स मीनिंग याद करेंगे और
जीवन में संगीत को कभी खत्म नहीं होने देंगे, बल्कि जीवन में संगीत को हमेशा कायम रखेंगे, तभी आपको इस पोयम को पढ़ने की सार्थकता साबित होगी।